नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कोसी इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं WJ2000 कंट्रोलर, जिसमें वाईफाई के थ्रू जो है आप प्रोग्राम डाल सकते हैं। पहले के टाइम में हम लोग 2000 LED के अंदर प्रोजेक्ट बनाने के लिए ये वाला कंट्रोलर यूज करते थे, अगर SD कार्ड बेस में जाए तो। अब जो है इसकी छुट्टी हो गई, इसे फेंकते हैं बाहर, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। अब जो है हम लोग ये वाला कंट्रोलर यूज करेंगे जो कि है WJ2000। यहाँ पे आपको मिलता है SD कार्ड का स्लॉट, यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिलता है। ये 16 GB तक के मेमोरी को सपोर्ट करता है। ये जो है आपका कनेक्टर है, इससे आप प्लस माइनस और डेटा कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वाईफाई का सिंबल दिख रहा है, तो ये जो है मोबाइल ऐप से आप इसमें टेक्स्ट अपलोड कर सकते हैं। इसमें जो है आपके टेक्स्ट के साथ बैकग्राउंड भी आते हैं, तो अभी जो है हम लोग इसके एनिमेशन में देखेंगे कि बैकग्राउंड कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप ये डिफरेंट वैरायटी में मंगा सकते हैं, किसी को 50-40S चाहिए, Z चाहिए, 25-80 चाहिए, जिनको भी हाई क्वालिटी के एनिमेशन के साथ डिजाइन चाहिए तो वो ये वाला कंट्रोलर ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए सब कुछ मेंशन रहेगा, अगर आप 25-80 ऑर्डर करेंगे और एस टाइप पे क्लिक टिक रहेगा तो एस टाइप के कनेक्शन में अवेलेबल होगा। इसकी जो अंदर में मेमोरी कार्ड में प्रोग्राम बनते हैं वो जेनिक सॉफ्टवेयर के थ्रू बनते हैं, तो आगे के कभी वीडियो में हम लोग इसके प्रोग्राम बनाने के लिए सीखेंगे। अभी जो है हम लोग ऐप को कैसे यूज करके इसमें टेक्स्ट चलाते हैं, और अभी जो है हम इसे 50x40 के मैट्रिक्स पे टेस्ट करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि कैसे इसमें टेक्स्ट अपलोड करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं जल्दी से कि इसमें कैसे टेक्स्ट अपलोड करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो है पिक्सल का एनिमेशन चालू है। अब जो है हम लोग इसमें टेक्स्ट अपलोड करने वाले हैं, तो सबसे पहले क्या करना है अपने मोबाइल के, जैसे हमारा जियो का डेटा, मैंने इसे बंद कर लिया है, वाईफाई को ऑन कर लिया है। तो जैसे ही आप वाईफाई सर्च करेंगे यहाँ पे आएगा वाईफाई HD के नाम से आपको दिखेंगे। अगर आपके एक बार भी नहीं आ रहे तो आप इसे ऑफ करके फिर से सर्च करेंगे तो वाईफाई HD का नेटवर्क दिखेगा, आपको उससे जो है कनेक्ट कर लेने हैं। पासवर्ड जो है आपके कंट्रोलर की डब्बी के ऊपर मेंशन है, और ऐप जो है आपको कंट्रोलर के ऊपर ही QR कोड है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। और एनिमेशन आप तो देख ही रहे हैं बैकग्राउंड में, क्या मस्त वाला एनिमेशन सारा चल रहा है। तो ये हमारा जो है वाईफाई HD, देखिए यहाँ पे हमारा नेटवर्क आ गया वाईफाई HD। आई थिंक इसका पासवर्ड है 1234 1234। यहाँ पे देखिए आपको ये शो कर रहा है कनेक्टेड। कनेक्टेड होने के बाद जो है आपको क्या करने हैं, आपको जाने हैं इसके ऐप पे, वाईफाई हमारा जो ये वाला ऐप है ठीक है, हमारा ये वाला ऐप है। यहाँ पे देखिए आपको सबसे ऊपर ऑप्शन मिल रहा है एंटर टेक्स्ट पे है, आपको जो भी टेक्स्ट शेयर करने हैं आप लिख सकते हैं। जैसे मुझे लिखने हैं वेलकम, मैंने वेलकम लिखा। यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है, ओनली टेक्स्ट, टेक्स्ट विद स्नोफॉल, टेक्स्ट विद फायर, टेक्स्ट विद रेन। ओनली टेक्स्ट पे हमने क्लिक किया और ये जो है सेंड हो जाएगा। अगर आपको तुरंत व्यू करने हैं तो इस व्यू पे बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा ठीक है। अब यहाँ पे जो है ऊपर देख रहे हैं कलर प्लेटीज है, इससे जो है आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो अभी जो हम पहले इसे सिंगल कलर मोड पे रखते हैं, सिंगल कलर मोड पे जाके जिस भी कलर पे आप, जैसे व्यू कर रहा हूँ मैं, जिस भी कलर पे आप चूज करोगे वो कलर आपके चलने लगेगी। आप देख पा रहे हैं कि मैंने येलो सेलेक्ट किया, येलो पे चला ठीक है। अगर आपको ये टेक्स्ट क्लियर करने हैं, आपको बैकग्राउंड के साथ टेक्स्ट चलाना है, बिना बैकग्राउंड वाले नहीं चलाने, क्लियर बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा। अभी जो हम करते हैं टेक्स्ट विद स्नोफॉल, यहाँ पे देखिए हमने टेक्स्ट विद स्नोफॉल किया है। 60 सेकंड के बाद, हर 60 सेकंड के बाद टेक्स्ट चलेगा। अगर आपको तुरंत दिखना है कि कैसा लग रहा है तो व्यू पे क्लिक करना है। तो पीछे देखिए स्नोफॉल बारिश हो रहे हैं और उसके ऊपर टेक्स्ट चल रहा है। अगर यहाँ पे टेक्स्ट भी 3 टाइप के हैं, रेनबो कलर में, देखिए कलर रेनबो चल, इच लेटर इट्स ओन कलर, जितने कलर आएंगे उसके, जितने लेटर्स आएंगे उसके अलग अलग कलर दिखने वाले हैं ठीक है। उसके बाद हम आते हैं टेक्स्ट विद फायर, तो यहाँ पे जो है टेक्स्ट विद फायर पे अगर हम व्यू पे क्लिक करेंगे तो नीचे जो है आपको दिखेगा कि फायर आग वाले फीलिंग आएगा ठीक है। और यहाँ देखिए लग रहा है कि हाँ आग लगे हुए हैं, तो टेक्स्ट विद फायर ये वाला फीचर हो गया। अब टेक्स्ट विद रेन पे क्लिक करके इसके व्यू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए लग रहा है कि पीछे बारिश हो रहा है और उसके ऊपर टेक्स्ट चल रहे हैं ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है आप इसमें टेक्स्ट अपलोड कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को जो है इसमें ब्राइटनेस ज्यादा लगते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये ब्राइटनेस बटन से, देखिए डिस्प्ले का ब्राइटनेस कंट्रोल हो रहा है तो ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। इफेक्ट की स्पीड आपको कम करनी है, देखिए मैं यहाँ पे इफेक्ट की स्पीड कम कर लेता हूँ, देखिए एकदम धीरे धीरे चलने लगा ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट की स्पीड भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मैं व्यू पे करता हूँ, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट का स्पीड स्लो कर दिया, ये देखिए एकदम धीरे धीरे चलने लगा है। तो इस तरीके से आप जो है टेक्स्ट की स्पीड, ब्राइटनेस
और इफेक्ट के स्पीड तीनों ही आप कंट्रोल कर सकते हैं लाइव। अब चलते हैं हम लोग इसके अंदर के जो है इफेक्ट को देखेंगे। तो मैं जो हूँ ये इफेक्ट लगा करके छोड़ दे रहा हूँ, तो आप जो है अलग अलग एनिमेशन, इसमें बहुत सारे नए एनिमेशन डाले गए हैं तो आप वो देख सकते हैं। ये देखिए ये सब नया एनिमेशन डाला गया है इसमें, क्योंकि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के है। मैं जल्दी जल्दी भरा करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। ये सब सारे इसमें जो है 50 ग्राफिक्स, अच्छे अच्छे ग्राफिक्स चूज करके डाले गए हैं क्योंकि काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। ये वाला कंट्रोलर को आप दिवाली में भी यूज कर सकते हैं, बिल्डिंग डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। 50x40 का बहुत अच्छा डिजाइन इसमें डाला हुआ है। और तो दोस्तों आपको ये अच्छा लगा होगा, दोस्तों अगर आपको ये कंट्रोलर चाहिए तो या तो आप हमारी वेबसाइट पे इसे ऑर्डर कर सकते हैं और या तो हमें व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। इस कंट्रोलर की प्राइस की बात करूँ तो ये कंट्रोलर SD कार्ड बेस्ड है, इसलिए थोड़ा कॉस्टली होने वाला है। ये कंट्रोलर आपको 900 रुपये प्लस GST का मिलने वाला है। और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं तो मैं इसे चला करके आगे म्यूजिक लगा के डाल रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको ये पूरी इफेक्ट देखने हैं तो आप देख सकते हैं। कोसी इलेक्ट्रॉनिक्स।